Assalamu alaikum grade 10 how are you Faiza Nadeem here with your english lessons i hope all of you are fine safe and healthy and i hope that all of you are studying you have designed your schedule and you are religiously following it what we are going to do today let's find it out जी ग्रेट व्हाट इज द टेलिंग यू द बोर्ड type यू दैट वी आर गोइंग टू डू Holy कम सल्लल्लाहु अलैहि सल एज एन एम्बारीमेंट ऑफ जस्टिस और जब हम अपने बहुत प्यारे नबी का नाम सुनते हैं तो हम क्या करते हैं हम दुरूद पढ़ते हैं सबसे छोटा दुरूद वसल्लम और सबसे अफजल दुरूद इब्राहिम तो चलो बेटा मैं और आप मिलके लेसन के शुरू में दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं और उसके बाद थ्रू आउट लेसन वी विल इनशाइड सल्हुस जब भी हमारे प्यारे नबी का नाम आएगा इस लेसन में ठीक है अलहमा सल मोहम्मद मोहम्मद का मल्ल तब्राहिमा वाल इब्राहिम इन्ना का हमीद मजीद

लेसन दैट वी आर गोइंग टू डू टूडे आज हम कर रहे ऑब्जेक्टिव टाइप आपको ये पता है कि आपका इंग्लिश पेपर एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव पेपर पे कंप्राइज होता है ऑब्जेक्टिव पेपर में आपके पास एक ढेर सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं उनके साथ मल्टीपल ऑप्शन होती हैं, और आपको एक बबल शीट दे दी जाती है जिस बबल शीट में क्वेश्चन कॉलम्स होते हैं डिफरेंट ठीक है क्वेश्चन होता है ए बी सी डी ठीक है इस तरह से उसकी कॉलम्स की ऑप्शन होती हैं और आपने इन कॉलम्स के अंदर जो सर्कल होते हैं उनको कलर करना होता है उनके रिस्पेक्टिव आंसर्स के साथ ठीक तो है अगर क्वेश्चन नंबर वन का ए करेक्ट है तो आपने क्वेश्चन नंबर वन के ए को कलर कर देना है ठीक है और अगर क्वेश्चन नंबर टू का बी है तो आपने क्वेश्चन टू का बी कर देना है और अगर थ्री का भी बी है तो आपने थ्री का भी बी कलर कर देना है ये एक एग्जाम्पल है इसका यह मतलब हर्गज नहीं कि आपके ऑब्जेक्टिव शीट का ऑटोमेटिकली क्वेश्चन नंबर वन का ऑप्शन ए होगा और हरगज ये नहीं है ये सिर्फ एक आपको एग्जाम्पल्स बता रही हूँ अब आपने ये याद रखना है कि जब तक आप अपना ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व नहीं करेंगे आपने बबल शीट को कलर नहीं करना है रीजन क्या है रीजन ये है बेटा कि ये बबल शीट जो होती है कंप्यूटर पे स्कैन होती है ठीक है अगर बाई मिस्टेक यू यू टू टू कलर कलर और द सर्कल ए एंड यू हैव कलर्ड सर्कल बी इन अ हरी यू वर इन ए हरी टू कंप्लीट योर पेपर बिफोर द टाइम गोज ऑफ और फिर आपने बी को क्रॉस कराया और ए कलर कर दिया तो बेटा कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग द स्कैनिंग आपके उस आंसर को डिक्वालीफाई कर देना चाहे आपने करेक्ट आंसर दोबारा थिंकिंग के बाद दोबारा सोचने के बाद कलर किया हो वो आंसर आपका डिस्कवालीफाई हो जाएगा वो काउंट नहीं होगा तो बेहतर यह है कि बहुत सोच समझ के पहले ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व करो और फिर बबल शीट रख के डबल चेक करके फिर बबल शीट को कलर करो एक चीज दूसरी चीज ये कि आप किस तरह से इसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं बेटा आप अपना एक ऑब्जेक्टिव पेपर जो सॉल्व कर रहे हैं उसको आप टाइम मैनेज करें ठीक है आप अपना काउंटडाउन लगाएं आप अपनी स्टॉप वॉच लगाएं और उसके अकॉर्डिंग अपना ऑब्जेक्टिव पेपर जो है उसको सॉल्व करें ताकि आपको लिमिटेड टाइम में ऑब्जेक्टिव पेपर पहले सॉल्व करने की और फिर बबल शीट अलग करने की आदत भी हो जाए और उस टाइम पर मैनेज भी किया जा सके ठीक है एक्सप्लेनेशन हो गई आप ऑब्जेक्टिव मैंने डिफरेंट से इकट्ठे किए हैं और ये आपकी बुक्स में मौजूद नहीं है ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही हूं ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें आपके फुल ऑन फुल मार्क्स आए अगर ऑब्जेक्टिव पेपर में फुल ऑन फुल मार्क्स आए तो बेटा ट्वेंटी परसेंट तो आपके पेपर का ए बन गया ठीक है नाइनटी हो गया सब्जेक्टिव को थोड़ा थरली

कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है जिसको कहते हैं ना इट्स नॉट अ बिग डील ऑल यू नीड टू हैव इज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड राइट जैसे ये है हैसेंज अब आपने ये वर्ड्स कभी सुने हैं पढ़े हैं ये स्पेलिंग्स कभी देखी है ऑब्वियसली जब हमने पूरा चैप्टर कर लिया तो हमको ये स्पेलिंग तो वैसे ही याद होगी ना द होली प्रॉफिट द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह माई अल्लाह सलावात ताला ठीक है तो आपने मैसेंजर को सर्कल कर दिया नोइंग दैट दिस इज द करेक्ट आंसर ये तो वर्ड हमने कभी सुने भी नहीं ना इनकी स्पेलिंग कभी हमने देखी है एम आई जी एच टी एम ए आई जी एच टी एम आई जी एच डबल टी एम ए आई जी एच आई टी कौन सा आपको करेक्ट लग रहा है

बोल के देखो ठीक है उसको प्रोनाउंस करके देखो ऑब्वियसली वी हैव हर्ड परफेक्शन एवरीवेयर तो दिस इज द करेक्ट आंसर आई होप दैट यू हैव योर नोटबुक्स एंड पेंसिल्स विद यू एंड यू आर कॉपिंग दीज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दीज चूज द करेक्ट स्पेलिंग एंड नोटिंग देम डाउन ठीक है एम ओ डी एल ई एम ओ डी ई एल एम ओ ई डी एल एंड एम ए डी ई एल है हर्ड एनी ऑफ दी स्पेलिंग्स अपार्ट फ्राम दिस मॉडल नो कन्फ्यूज हो गए ना एम ओ डी एल ई और एम ओ डी ई एल में एम ओ डी एल ई हरगज हरगज करेक्ट स्पेलिंग नहीं है एम ओ डी ई एल इज़ करेक्ट स्पेलिंग और साथ साथ स्पेलिंग्स याद कर लो ताकि एग्ज़ाम में कोई गलती ना हो

एड्रेस हमेशा ए डबल टी आर ई डबल एस होता है इसको रोट लर्न कर लो गिराह से बांध लो क्योंकि ये वो गलती है जो मेरे बच्चे बहुत ऑफन करते हैं और मैं नहीं चाहूँगी कि अपने मार्क्स वो इस सिली एरर के साथ लूज करें तो इसको गिराह से बांध लो इसको याद कर लो ये जो है ये आपने दोबारा कभी गलती नहीं करनी ठीक है लेट्स मूव ऑन टू The G part of this, choose the correct spelling. G reputation, repetition, reputation and reputation. कौन सा sound कर रहा के correct है? Reputation ही सुनिए ना बच्चे हमेशा बाकी तो इंतहाई incorrect pronunciations हैं। और हमने यह स्पेलिंग भी कहीं नहीं देखी तो यह वाला जो है दिस इज द करेक्ट आंसर राइट रेप्यूटेशन अब दिस इज ट्रिकी आरईवीएनजी आर ए वी एन जी आरई वी ई एंड एन जी ई रिवेंज अगर बदला लेना है तो इस रिवेंज की स्पेलिंग पक्की पक्की याद कर लो ठीक है रिवेंज में हमेशा ई होता है इसको रूल आउट कर दो प्रोनंसिएशन रेवेंज नहीं है रिवेंज है रिवांज नहीं है रिवेंज है ठीक है तो इसको पक्का पक्का जहन नशीन कर लो अपने दिमाग से मत निकालना फॉलो 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 आ ये तो कॉमन है ये तो बहुत आसान है हमने बचपन से पढ़ा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है ना कॉपी में खुद भी लिखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ठीक है तो वी नो द स्पेलिंग ऑफ फॉलो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मैग्नीटाट एंड मैग्नीट्यूड कौन सा मैग्नीट्यूड करेक्ट है ए से मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड नहीं होता वो कभी भी ठीक है सो दिस वन इज द करेक्ट वन एब ईब आईबू एंड एब कौन सा करेक्ट है ट्रांसेंस 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 एंड ट्रांस एंड ट्रांसेंस एस एंड सी एस एन सी डायग्राफ इधर लगा हुआ है डायग्राफ के साथ इसकी स्पेलिंग है ट्रांसेंस ख की स्पेलिंग आती है इसको तो रट्टा लगा लो ठीक है इसको तो रट्टा लगा लो ये करेक्ट स्पेलिंग है सरमोन सारोन सरमैन या ये वाला ठीक है दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग सरमन एंड सिस्टर्स एंड कास्टर्स एंड सिस्टर्स या एंड कास्टर्स कौन सा करेक्ट है एंड सॉरी एंड सिस्टर्स सुना है फोर फादर्स ठीक है हमारे ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट तो ये एंड सिस्टर्स करेक्ट है आई होप यू आर नोटिंग दम डाउन I've done all this because I wanted you to have an example in front of you, right? And I'm going to be very disappointed if you're not noting them down. So kindly note all of them down in your notebooks. Destitute, dusty tight, destitute, and dirt is it? Ye to hamne sune bhi alfaz. Sune? sune. Pakka sune. अगर हमने खुद इन्वेंट किए तो और बात है बट द आंसर इज डेस्टिट्यूट ठीक है डिस्प्यूट डिस्पट डिस्पूट एंड डिस्पूटी डिस्प्यूट किस किस का डिस्प्यूट होता है अपने फ्रेंड्स के साथ लड़ाई होती है ठीक है डाइसडेड डिसाइडेड डिजाइडेड एंड डिजाइडेड डिसाइडेड ठीक है आता है हमें बहुत आसानी से आता है बहुत आसान है अचीव, अचीव अखीव It's always अचीव अखाइफ अखीव इट्स ऑलवेज अचीव ठीक है एक्सचेंज एक्सचेंज एक्सचेंग और एक्सचेंज खुद मेरी प्रोनाशिएशन खराब हो गई है इट्स एक्सचेंज ठीक है वो वाला तो बहुत ही ट्रिकी था है ना प्लीज 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 कौन सा प्लीज करेक्ट है प्लीज अपनी व्हाट्सएप वाली इंग्लिश ना लिखना ये वाली ठीक है या पीएल जी हैव द करेक्ट स्पेलिंग राइट इंटरसीड इंटरसीड एंटरसीड और इंटरसीड i hope the board is clear i hope that you are able to note them down aapne ye karna hai ki aapne jo correct spellings hain unko likh ke unki dictation de deni hai simple ye kitne spellings hain hardly 20 ट्वेंटी spellings की अगर आप dictation दे देते हो within one day, within two days, टू डेज तो आपके ऑब्जेक्टिव मार्क्स कितने सिक्योर हो जाते हैं सोचे सोचो और दे के इनको रोट लर्न कर लो ठीक है इंटरसीड हो गया गाइडेंस गाइडेंस जजिडेंस क्या होता है गाइडेंस ठीक है फाउफल पीपल फ्योफल या पीपल पीपल अब इस सिलसिले का एक ऑप्शन और रहता है Quickly, हम करेक्ट स्पेलिंग को खत्म करते हैं और अपने बाकी के एम सी क्यूज की तरफ मूव ऑन करते हैं ठीक है तो ये थे लेट्स मूव ऑन द वन जी कॉन्फ्लिक्ट 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 या कॉन्फ्लिक्ट होता है हमेशा ये होता है हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ठीक है अब हमने सारी स्पेलिंग्स देख ली सारी स्पेलिंग्स करेक्ट कर ली और हमें ये पता है कि हमारे एम का जो पेपर आता है ऑब्जेक्टिव उसमें ये आती है ठीक है हमारा फर्ज एज अ स्टूडेंट अब ये बनता है कि हम इनको लिखें नोट डाउन करें और रोट लर्न कर लें ठीक है चलो ऑब्जेक्टिव स्पेलिंग्स को उठा के इधर रखते हैं, रख स्टार्ट क्यूज एमसीक्यूज क्या होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ठीक है multiple choice questions, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आते हैं अलोंग विद द करेक्ट स्पेलिंग उसी तरह से आते हैं ऑब्जेक्टिव में उसी तरह से बबल शीट होती है उसी तरह से आपने उसको सॉल्व करना होता है अब जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो ये है कि जब भी हम ग्रॉसरी करते हैं जब भी हम वर्ड मीनिंग्स करते हैं ठीक है थीके? आपको मैं ये जरूर कहती हूं कि ये आपके एमसीक्यूज पे आ सकते हैं ठीक है थीके? तो अब यहाँ पर डिफरेंट सोर्सेज से मैंने आपके लिए सोर्सिस इकट्ठे किए हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकेपिचुलेशन एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन राइट पहला है द सिनोनिम ऑफ फो इज सिनोनिम क्या होता है सिनोनिम वर्ड विद सिमिलर मीनिंग एंटोनिम क्या होता है एंटोनिम का मतलब होता है वर्ड विद ऑपोजिट मीनिंग ठीक है तो यहां पर है आपका सिननिम सिनेम का मतलब है आपने फो का सही जो मीनिंग है जो सही उसको रिप्लेस करता है वर्ड वो इधर लिखना है अब रेलेटिव एनिमी फ्रेंड कंपेनियन ट्रिक क्या है फ्रेंड कंपेनियन और रेलेटिव ऑल ऑफ देम आर समबडी हु आर क्लोज टू यू हुम यू चेरिश हुम यू लाइक इसमें सिर्फ ये ऑड वन आउट है ये ऑड वन आउट है तो डेफिनेटली यही इसका मतलब होगा ठीक है अदरवाइज फ्रेंड और फो हमने कितनी दफा सुना हुआ है कि फ्रेंड और और फो दोस्त दुश्मन कितनी दफा सुना हुआ है ना तो ये फो यानी एनिमी है देर वॉज अ कंप्लीट साइलेंस कंप्लीट साइलेंस कंप्लीट का मतलब पार्शल यानी थोड़ा सा बचा हुआ नहीं हो सकता इसका मतलब हाफ नहीं हो सकता इसका मतलब नथिंग नहीं हो सकता ये तो इतना आसान वर्ड है कि हमें पता है कि कंप्लीट का मतलब है फुल देर वॉज कंप्लीट साइलेंस देर वॉज फुल साइलेंस द दिन ऑफ इज अब यहां याद रखो कि हमने एनसिस्टर्स ग्लॉसरी में किया था ठीक है डिस्कस भी किया था और इसका मतलब ना ही एंटीसीडेंट है ना ही प्रीस है ना ही सिबलिंग है इसका मतलब आपके फोर हैं ठीक है थीके? अब हमने ये इतनी दफा कर लिया है एंड सिस्टर के हमें वैसे ही वो कैबलरी बैंक में एडअप हो गया है और वैसे ही इसकी मीनिंग आती है ठीक है माइट का मतलब क्या हो सकता है माइट का मतलब मीक हो सकता है चलो मीक का मतलब हमें नहीं पता माइनर मिल्क तो हर नहीं हो सकता अब हम स्ट्रेंथ और मीक में कंफ्यूज्ड हैं। बट हमें ये पता है कि माइट का मतलब स्ट्रेंथ होता है और मीक का मतलब होता है बिल्कुल डरपोक और कमजोर अगर ये माइट का एंटनिम होता तो हम मीक लिख देते लेकिन ये सिनेम है हमने स्ट्रेंथ लिखनी है दिननिम फॉर द वर्ड फॉर्म फॉर्म का सिनेम क्या होगा एक्सपेंसिव तो नहीं होगा डेफिनेटली ही टेक्स फॉर्म डिसीजन ठीक है पावरफुल परसिस्टेंट ही टेक्स फॉर्म डिसीजन एंड ही स्टैंड ऑन देम परसिस्टेंट ठीक है पक्के वाले डिसीजन को चेंज नहीं करने वाले और ब्रेव ब्रेव भी नहीं होगा फॉर्म का मतलब होता है टू स्टे ऑन योर डिसीजन दिसम फॉर द वर्ड ग्लोरियस ग्लोरियस का मतलब लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी ठीक है ग्लिटरिंग भी चमकदार होता है फेब्यूलस होता है जबरदस्त लेकिन स्पलेंडेड इज द करेक्ट वर्ड फॉर ग्लोरियस ठीक है तो आपने स्प्लेंडेड को सर्कल कर देना है द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंटेग्रिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट इज नॉट स्ट्रेंथ इज नॉट डिनाइल इज अडेर टू द ऑनेस्टी ऑनेस्टी के साथ आपने अडहर होके रहना है यू रिमेन फॉर्म विथ ठीक है सेवन एम सी क्यूज इधर किए हैं वी आर लेफ्ट विद एनदर एट एमसीक्यूज लेट्स क्विकली एंड बी कंफर्म्ड बी रिलैक्सड एज फार एज यूनिट वन इज कंसर्ड वी आर नॉट कंप्लीटली बट एट लीस्ट पार्शली प्रिपेयर फॉर द फाइनल एग्जाम राइट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट MCQ क्यू अब ये वाला जो एम सी क्यू है ना ही डिड नॉट टेक केयर ऑफ पेट आपको याद आपने ग्रामर पोर्शन में भी किया था ठीक है और ये एग्जाम में आया है इसलिए मैंने इधर लिखा हुआ भी है तो इसको मल्टीपल तरीके से सॉल्व किया जा सकता है और इसके मल्टीपल क्वेश्चंस आ सकते हैं ओवर हेयर वो ये पूछ रहे हैं कि केयर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कॉन्क्रीट नाउन है अनकाउंटेबल नाउन है या मटीरियल नाउन है ठीक है और हमें पता है कि समथिंग दैट वी वी डू बट कैन नॉट सी और टच इट सो इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है वो नाउन जिसको हम छू नहीं सकते टच नहीं कर सकते देख नहीं सकते लेकिन वो मौजूद होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ठीक है फादर क्या है कलेक्टिव नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कॉन्क्रीट नाउन है या काउंटेबल नाउन है कलेक्टिव नाउन वो होते हैं जो एक ग्रुप ऑफ लोग अगर जमा हो तो उनको हम एक सिंगुलर आइडेंटिटी एक्सेप्ट करते हैं और उनके लिए जो नाउन यूज करते हैं वो कलेक्टिव नाउन होता है ठीक है जैसे अ अम ऑफ बीज जो स्वम ऑफ बीज है वो कलेक्टिव नाउन है ढेर सारी बीज के लिए ठीक है अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स सारी स्टेयर्स जो ऊपर जा रही है नीचे जा रही है वेदर द आर एटीन वेदर दर नाइनटीन बट अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इज अ कलेक्टिव नाउन फॉर द स्टेयर्स इसी तरह से कॉन्क्रीट नाउन वो होता है जो प्रेजेंट होता है जिसको हम छू सकते हैं जिसको हम देख सकते हैं हम अपने बाबा को देख भी सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको छू भी सकते हैं उनसे बात भी कर सकते हैं उनसे डिमांड्स भी कर सकते हैं उनसे लड़ाइयां भी कर सकते हैं ठीक है थीके? तो वो कॉन्क्रीट नाउन है काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं जैसे अ डजन पेंसिल्स ठीक है ट्वेंटी फोर रिबिन फिफ्टी फाइव इरेजर्स राइट दोज आर ऑल काउंटेबल नाउन्स अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिसको आप काउंट नहीं कर सकते आपके बाल पानी बटर ठीक है उनको आप वेट में मेजर करते हैं और उनका वेट बताते हैं ठीक है और अब्बा जी को तो आप डेफिनेटली काउंटेबल या अनकाउंटेबल में काउंट नहीं कर सकते ठीक है ही डिसाइडेड देयर केस विद इक्विटी एंड जस्टिस जस्टिस क्या है कॉन्क्रीट नाउन है कलेक्टिव नाउन है एबस्ट्रैक्ट नाउन है या मटीरियल नाउन है जस्टिस इंसाफ इंसाफ क्या है कभी आप देख सकते हो छू सकते हो नहीं इंसाफ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ठीक है इंसाफ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है नेक्स्ट इज एज ट्रेडर ही अर्न अ गुड रेपेशन एज अंग ट्रेडर आपका नाउन फ्रेस है है, है या इनफेनेटिव है इनफेनेटिव नहीं है स्पेसिफाई हुआ हुआ है कि वो यंग ट्रेडर है एजेक्टिवियल फ्रेज ट्रेडर नाउन मौजूद है प्रेपोजिशनल फ्रेज इसमें कोई प्रपोजिशन मौजूद नहीं है तो ये आपका नाउन फ्रेज है ठीक है अ यंग ट्रेडर ठीक है एज अंग ट्रेडर नाउन मौजूद है ट्रेडर तो ये नाउन फ्रेज है ही डिड नॉट टेक गुड केयर ऑफ हिस्स पेट अगेन वोई वाला क्वेश्चन अगेन वोई वाला सेंटेंस लेकिन दिस टाइम यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट प्रोनाउन वो आपसे पूछ रहे हैं कि डिड नॉट टेक केयर ऑफ हिस पेट कौन सा प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव है रिलेटिव है या इनडेफिनेट है इनडेफिनेट यानी जिसकी सोर्स नहीं पता जिसका बंदा नहीं पता नहीं है सम वन नो वन नहीं है ठीक है रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं हिमसेल्फ सेल्फ 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 नहीं लगावा रिफ्लेक्सिव वेन यू आर स्पीकिंग अबाउट योर ओन सेल्फ वो भी नहीं है ठीक है ये कौन सा है ये पर्सनल प्रोनाउन है क्योंकि ये पर्सनल बात कर रहा है ठीक है आई सी यू इन वीक इन वन वीक इन अ वीक इन एन वीक और इन द वीक स्पेसिफिकेशन नहीं है ये कौन सा वीक तो ये नहीं होगा one week का भी उन्होंने वीक okay, ठीक है तो अवीक आएगा आई एम ऑन वेकेशन मैंने उस दफा अपने उस लेक्चर में जिस लेक्चर में आर्टिकल्स किए थे इसी चैप्टर के इसी यूनिट के ग्रामर पार्ट का आपको ये कहा था कि हर जगह आर्टिकल फिट नहीं करते आई एम ऑन द वेकेशन नहीं होगा ये कोई स्पेसिफिक वेकेशन नहीं है अ वेकेशन नहीं होगा ठीक है वेकेशन इट सेल्फ इज ए कलेक्टिव नाउन और कलेक्टिव नाउन से पहले आर्टिकल्स हम नहीं लगाते तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज ठीक है We are moving on to the last MCQ, which says an oral presentation can be interesting. Oral presentation presentation is something that you present presentation is something a project that has been assigned to you and you are presenting it to the whole class adjective phrase stress presentation adjective adverb presentation definitely is not a verb so we rule this out noun phrase definitely noun phrase because it's an oral प्रेजेंटेशन नाउन क्लॉज क्लॉज क्या होते हैं क्लॉज वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट होती है इसमें ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है और ना ही उसकी अग्रीमेंट है तो क्लॉज को तो हमने कम्प्लीटली रूल आउट किया सिंस ऑरल प्रेजेंटेशन डिस्क्राइब अट ऑफ प्रेजेंटेशन जो आप प्रेजेंट कर रहे हो ठीक है आई एम गिविंग यू एन ऑरल प्रेजेंटेशन राइट नाउन ठीक है तो ये एक नाउन है और हम नाउन फ्रेस को सर्क करेंगे ठीक है समझ आ गया कोई कैपिटुलेशन कर लें आज के लेसन की हमने यूनिट वन के ऑब्जेक्टिव टाइप सारे किए आज ठीक है हमने ट्राई की है कि हम कुछ भी ना छोड़ें जितने डिफिकल्ट वर्ड्स थे हमने उन सब की चूज द करेक्ट स्पेलिंग की है हमने एम सी क्यूज किए हैं एक एम सी क्यू को तो हमने दो तीन दफा कर लिया ताकि हम उसके हर हर पार्ट ऑफ स्पीच का अगर रिलेटिव क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व कर सके ठीक है अपना बहुत ध्यान रखो पढ़ते रहो स्केड्यूल बनाओ और 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 मेरे साथ साथ जो जो काम मैं कहती हूं करते रहो ताकि इंग्लिश के फुल एंड फुल मार्क्स आपके कंफर्म हो जाए मीट अगेन इंशाला विद इन अदर लेक्चर बाय द टाइम अल्लाह हाफिज